भगवान शिव जो आदि देव हैं, देवादेव हैं और निराकार हैं, उन्हीं भगवान शिव का आज वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। उन्हीं भगवान शिव की पड़ताल आज हम करने जा रहे हैं। आपका एक और बार स्वागत करता हूँ मैं दोस्तों मेरे इस खास यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हर हर महादेव घर घर महादेव। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव की महिमा बताऊँ, नर्मदेश्वर शिवलिंग की महिमा बताऊंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हम अपने घर में कितना बड़ा शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। हम अपने घर में इस अष्टंगुल इतना बड़ा शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। यदि आपको इतना छोटा शिवलिंग स्थापित नहीं करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा 6 इंच तक का शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। 6 इंच से बड़ा शिवलिंग आप स्थापित नहीं कर सकते। मंदिर में आप कितना बड़ा भी शिवलिंग स्थापित कर लीजिए, लेकिन अगर आपको घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करना है तो 6 इंच या फिर अष्टंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए। पुराणों के हिसाब से तो घर में स्थापित किए जाने वाला शिवलिंग अष्टंगुल इतना ही अच्छा होता है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ भगवान शिव जी के सब परिवार की बड़ी मूर्तियां ही बेचते हैं तो गलत है। हमारे कुछ कठिन प्रयास और कठिन मेहनत के बाद हम आपके लिए लाए हैं ये सी छोटी छोटी सब परिवार की मूर्तियां जिन्हें आप अपने घर में भी स्थापित कर सकते हैं। घर में स्थापित करने के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की कुछ परंपराएं हैं। वह परंपरा यह है इनका गाय मीन सब किसी भी का दूध ले लीजिए और माँ नर्मदा का पवित्र जल जो आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि अब जो मूर्ति वाला डॉट इन है उन्होंने सोचा यार विदेश में तो माँ नर्मदा का पवित्र जल है ही नहीं, तो क्यों ना हम माँ नर्मदा का पवित्र जल पहुँचाए विदेश में। तो इसी के साथ हम जहाँ भी हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग भेजते हैं उनके साथ माँ नर्मदा का पवित्र जल भी उन्हें उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको भी ऐसे अद्भुत एंटिक शिवलिंग के कलेक्शन चाहिए या फिर घर में पूजा करने के लिए चाहिए तो आप भी मूर्तिवाला.in पर आइए, जहाँ पर आपको भगवान शिव जी का श्रृंगार भी मिलेगा। भगवान शिव जी के श्रृंगार को तो आप एक बार करके देखिए। मैं इसके बाद एक वीडियो बनूंगा जिसमें मैं अपने भगवान शिव का श्रृंगार करूंगा। उन शिवलिंगों को आप देख के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कोई कुछ लोगों का क्या है कि उन्हें फैशन चाहिए और उन्हें फैशन भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। यानी वो लोग कहते हैं ये शिवलिंग है, भगवान को तो हम भी मानते हैं लेकिन शिवलिंग तो बस एक ओवल शेप का है, उसमें कुछ आकृतियाँ होती हैं, ये तो बहुत बोरिंग है। लेकिन यदि हम इन्हें हमने फैशन में ले आए, जैसे कि हम इन पे चंदन से त्रिव बना दे, त्रिपूर्ण तिलक बना दे, एक बीच में आँख बना दे, त्रिनेत्र, तो कितना प्यारा शिवलिंग लगेगा। अगर हम इस शिवलिंग में आँखें बना दे, मुंह बना दे, नाक बना दे, कान बना दे तो कितना अच्छा लगेगा। और उन सबको भी छोड़िए, आपको मैं भी बताता हूँ इन नर्मदेश्वर शिवलिंग का जन्म होता है वह मई रेवा। भगवान शिव एक बार किसी पर्वत पर घोर तपस्या में लीन थे, तभी उनके पसीने की बूंद उस पर्वत से जा नीचे गिरी और उससे जन्म हुआ हमारी मई रेवा का। मई रेवा और भगवान शिव को तपस्या लीन देखकर माँ नर्मदा भी तपस्या लीन होगी। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलते ही उस पुत्री को देखकर उसी समय उसका नामकरण कर दिया और उस पुत्री को नाम मिला माँ नर्मदा। नर्मदा से अर्थ है कभी न मरने वाली माता, जिनका कभी अंत नहीं है। ये एकमात्र नर्मदा है जिन्हें देखने मात्र से ही सारे पाप धुल धुल जाते हैं, जिन्हें वह एकमात्र नदी है जिनकी परिक्रमा होती है, वह एकमात्र नदी है जो पश्चिम में बहती है,
और वह एकमात्र नदी है जो इन नर्मदेश्वर शिवलिंगों को जन्म देती है। यदि आप सोच रहे कि भाई शिवलिंग कुछ भी शिवलिंग ऐसा बनाना पड़ेगा, लेकिन वैसा नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, माँ नर्मदा में से शिवलिंग कैसे निकलते हैं। माँ नर्मदा में एक पत्थर का जन्म हुआ, ऐसे पत्थर का जन्म होता है। अब उस ऐसे पत्थर के जन्म के बाद वह शेप ले ले लेता है, कुछ इस प्रकार का शेप ले लेता है, और उसके बाद वह लेता है इस प्रकार का शेप। जैसे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा इसको फिनिशिंग मिल जाती है, ओवल बन सकता है ना। भैया क्या आप हमारे दर्शकों को पास से थोड़ा बता सकते हैं? यह देख लीजिए, ऐसा शेप लेता है और उन्हें कुछ पलों के बाद उस शिवलिंग का शेप आ जाता है इस ओवल में। इस तरह के ओवल शेप्स आते हैं। वैसे तो हम किसी भी नर्मदे स्वर पत्थर को हमारे घर में ये रख दिया, बस अब मैं हर दिन इसकी पूजा कर सकता हूँ, क्योंकि नर्मदेश्वर हम किसी भी कंकर को स्थापित कर दे, उन हर कंकर में शंकर बसते हैं। दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, लेकिन जाने से पहले आपको कुछ एक बात बताता हूँ कि अगर आपको असली नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर आइए, जिसका नाम है मूर्तिवाला.in। दोस्तों अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तब इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए नर्मदे हैं।